इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में किसान का एहतजाज पूरे उरूज पर है। किसानों के और हुकूमत के दरमियान ऐसा लग रहा है कि आर पार की जंग होगी। लिहाजा इसी तरह से मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में या तो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई कारकुनान मौजूद हैं। उनका भी मुतालबा यही है कि ईडी जो है उन पर नाहक बेजा हिरासा करने की नीयत से वो उनके ऊपर रेड कर रही है और उनको हिरासा कर रही है। देखिए, हमारा यहाँ जमा होना मुसलमानों और हिंदुस्तान के जो मजलूम हैं उनका हक हासिल करने के लिए जमा होना हुआ है, क्योंकि आज की जो हुकूमत है वो हुकूमत हर अंदाज से ये कोशिश कर रही है कि मजलूमों को और दबाया जाए, जो खामोश है उनको और चुप कराया जाए। ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि हम आज जुल्म को रोक नहीं रहे हैं। ये आरएसएस और ईडी ये मिलकर मुसलमानों को और दलितों को और बहुत सारे कमेटियों को इस तरह ये टारगेट करके हिंदुस्तान के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम लोग आवाज़ उठाकर अपना हक नहीं मांगेंगे, जो खुद हमारा हिंदुस्तान का कानून हमें देता है, तब तक ना हम आगे बढ़ेंगे और ना ही हम हिंदुस्तान को बचा सकेंगे। क्योंकि जो हालात हिंदुस्तान के बनाए जा रहे हैं ये पूरी तरह हिंदुस्तान को खोखला करने की साजिश की जा रही है। ये आरएसएस और ईडी और इसी तरह के बहुत सारे काम करने वाले मिलकर और हुकूमत के बहुत सारे चीज़ें मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की हकीकी रूह को ख़त्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हकीकी रूह ये है कि यहाँ के रहने वाले हर वासी को ये इज्जत है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके, वो अपना हक मांग सके, वो अपनी ज़रूरियात को और इंसानी हुकूक को पूरी तरह हासिल कर सके। ये हिंदुस्तान का कानून देता है। लेकिन ये आरएसएस और ये ईडी और इसी तरह के बहुत सारी तंजीमें जो इनकी हैं ये कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के मासूमों को और मजलूमों को कमज़ोर करने की और हिंदुस्तान के कानून को कमज़ोर करने की और हिंदुस्तान की असली रूह को कमज़ोर करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को और इस मुल्क के कानून को हम इस सब की हिफाजत करते रहेंगे। इस मुल्क के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और पॉपुलर फ्रंट ये तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम कौमों के लिए ये एक सहारा है, ये मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला एक हथियार है और मजलूम को हक दिलाने वाली एक तंजीम है। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करके इस ईडी ने कई जगह टारगेट करके इनके घरों पर धापे मारे और इनके घरों पर छापे मारकर इनके घरों में गैर कानूनी तौर पर घुसकर इनके ऊपर जुल्म करने की और इनको डराने की कोशिश की गई है। ये एक सूरत है सिर्फ के पॉपुलर फ्रंट को डराया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि इस तौर से तमाम मुसलमानों को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के हकूक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक पॉपुलर फ्रंट के साथ ठेर खड़े होकर और पॉपुलर फ्रंट की जैसी जो हक को हासिल करने वाली तंजीमें हैं इनका साथ देकर जब तक हम मुल्क और उसके कानून की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये आरएसएस दीमक की तरह देश को कमज़ोर करेगी। इसलिए हम देश की हिफाजत के लिए और देश के कानून की हिफाजत के लिए हर बार इसी तरह आते रहेंगे। यही पॉपुलर फ्रंट का इरादा है और हम लोग ये इस काम में आखिर दम तक करते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एहतजाज किए हैं। ये एहतजाज का मकसद ये था कि हम लोग जो आज ईडी का डिपार्टमेंट जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर बहुत सुप्रीम पावर्स रखने वाला एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आज जो है आरएसएस का और बीजेपी का कठपुतली बनकर के काम कर रहा है। इस डिपार्टमेंट ने हमारे ऑफिसेस के साथ साथ हमारे लीडरों के जो घर पर रेड की है, हम इसको सख्ती से कंडम करते हैं। इसी के मैसेज के साथ आज हमारा प्रोटेस्ट था और आने वाले दिनों में जब भी इससे पहले भी जो NIA CBI वगैरह जो एजेंसीज़ है गवर्नमेंट के जिन्होंने हम पर रेड किए, जिन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया, जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट के अंदर जलील हुआ है, वैसे ही इंशाल्लाह ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग जलील करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर से ईडी डिपार्टमेंट ऐसा फिर से स्टेप लेगा तो हम लोग ऐसे इससे बड़ा एहतजाज इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि आप सबको मालूम है, हिंदुस्तान में जो इस्लामी कौम हो या हमारे जितने भी तंजीमात है, अभी जो टारगेट बनाया जा रहा है, खासकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए टारगेट बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देखिए कि अभी फ़िलहाल में ईडी जो रेड भाई है, रेड भाने की वजह से, हालांकि हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है जिनके ऊपर रेड भाना चाहिए, ईडी उनके ऊपर नहीं देख रही है। हिंदुस्तान में जो खुलेआम चल रहा है, रास्तों पे वो लेकर फिर रहे हैं, जैसे कि दूसरे तंजीमात की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आरएसएस चाहे जो भी अभी पॉलिटिक्स हो, ऐसी तंजीमों को छोड़कर खासकर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए एक बार नहीं, ऐसे बार बार जितने भी उन लोगों ने हमारे ऊपर आकर रेड किए, अब ये पूरा हमारा इतिहास जमा होने का खास कर ये है कि ईडी जो रेड किए था इसके लिए हम जमा हुए थे। इंशाल्लाह आइंदा ये लोग जितना भी ये करेंगे, हम पर जुल्म करेंगे या हमारी कौम पर जुल्म करेंगे, तो इंशाल्लाह हम फिर उठकर इससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा तादाद में आकर हम इंशाल्लाह यहाँ मेमोरेंडम जैसे कानून के तौर पर देना है वैसा इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। ये थे पॉपुलर फ्रंट के कारकुन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी जो है रेड करके, यानी कि उन्हें हिरासा करने की नीयत से किस तरह से परेशान करें, जबकि दिगर तंजीमें जैसा हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं वो हथियारों का मुजाहरा करते हुए जुलूस और एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन उन पर तो कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर वो किसी न किसी बहाने से इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ऐसा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान का कहना है। देखते हैं कि हुकूमत किस कदर इनके एहतजाज के सामने अपने रवैये को नरम करती है या और वो ज़्यादती करती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।